गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने रिग्रेशन टेस्टिंग देखा है। अभी हम आज देखने वाले हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, लेकिन उससे पहले थोड़ी रिग्रेशन टेस्टिंग की बातें कर लेते हैं कि पीछे जो भी टेस्टिंग हमने देखे हैं वो सब जो टेस्टिंग थे वो सब फंक्शनल टेस्टिंग थे, जिसके अंदर हम उसके कोड्स वगैरह को चेक करते थे इफ़ वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे क्या करते थे, देखते थे। आज हम सीखने वाले हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होता क्या है बेसिकली? तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आज सीखनी है। तो नॉन फंक्शनल की जो बातें करें तो नॉन फंक्शनल के अंदर हमें उसका परफॉर्मेंस, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी रीयूजेबिलिटी, ये जो सारी चीज़ें हैं उसको हमें क्या करना है, उसको हमें वहाँ पे टेस्ट करना है। कहाँ पे टेस्ट करना है? तो कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर हमें क्या करना है, ये सब चीज़ों को टेस्ट करना है। What is non-functional testing? Non-functional testing is defined as a type of software testing to check non-functional aspects like performance, usability, reliability, etc. of a software application. कि हमारे पास जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, उसकी जो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस, उसकी यूजेबिलिटीज़, उसकी रिलायबिलिटीज़, ये सारी चीज़ को हमें क्या करना है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर उसको टेस्ट करना है। इट इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट द रेडीनेस ऑफ अ सिस्टम एज पर नॉन फंक्शनल पैरामीटर्स विच आर नेवर एड्रेस्ड बाई फंक्शनल टेस्टिंग। कि हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे जो भी नॉन फंक्शनल पैरामीटर्स है हमारे सिस्टम के, उसको बन जाने के बाद, उसकी डिज़ाइन हो जाने के बाद, वो रेडी हो जाने के बाद, हमें हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम के जो भी नॉन फंक्शनल पैरामीटर्स है उसको हमें यहाँ पे चेक करना है। एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्ट वुड बी टू चेक हाउ मैनी पीपल कैन साइमल्टेनियसली लॉग इन इन टू सॉफ्टवेयर। हम एक अच्छे एग्जाम्पल की बात करें नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर में साइमल्टेनियसली यानी कि एट अ टाइम कितने पीपल एक साथ में लॉग इन कर सकते हैं। जैसे हम बात करें हमारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स की, तो अगर हम बात करें जीएसटी पोर्टल्स की, तो एक बार जीएसटी पोर्टल्स पे आप जाइए। जीएसटी पोर्टल पे आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आप कई सारे लोग एक साथ में लॉग इन करेंगे, तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो साइट है, जो जीएसटी की जो साइट है, वो साइट डाउन हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे परफॉर्मेंस का इश्यू है, उसकी जो वेबसाइट है वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। तो हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले एक अच्छा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एट अ टाइम कितने लोग एक साथ में लॉगिन कर सकते हैं, तो हमें वो चेक करना है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग is equally important as functional testing and affects client satisfaction. non-functional testing जो है वो एक उसका important क्या है, उसका महत्व क्या है, तो उसका important ये है कि हम जब भी non-functional testing करेंगे तो non-functional testing से हमें पता तो चल ही जाएगा कि हमारा जो software है, हमारा जो application है, उसका performance कैसा है, उसकी usabilities कैसी है, वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और साथ साथ में हमारा जो क्लाइंट है वो क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन भी, यहाँ हमारे क्लाइंट जो है वो क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगा। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न, हम ये ट्यूटोरियल के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, आज स्टडी करने वाले हैं, तो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग,
characteristics of non-functional testing, non-functional testing parameters, type of testing, non-functional testing types, and examples test cases non-functional testing. हम ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज के ये ट्यूटोरियल में हम स्टडी करने वाले हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, हमारे जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग्स है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. तो पहला तो है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग शुड इंक्रीज यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो है वो हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारे जो एप्लीकेशंस है, उसकी यूजेबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी मेंटेनेबिलिटी और उसकी जो पोर्टेबिलिटी है उसको वो क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है. हेल्प्स टू रिड्यूस प्रोडक्शन रिस्क एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विथ नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट. कि ये हमें किस तरह से मदद करता है, तो हमारा जो भी प्रोडक्शन है, हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके अंदर जो रिस्क है, उसका जो कॉस्ट है, उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है. ऑप्टिमाइज द वे प्रोडक्ट इज इंस्टॉल्ड, सेटअप, एग्जीक्यूट्स, मैनेज एंड मॉनिटर्स. कि ये हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को ये ऑप्टिमाइज करता है. कैसे करता है, तो कि वो प्रॉपर इंस्टॉल हुई कि नहीं हुई वो चेक करता है, उसका सेटअप कैसा है, उसको वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसको कहाँ से मैनेज करना है, उसको कहाँ से मॉनिटर करना है, ये सारी चीज़ें उसको क्या करता है, ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग उसको ऑप्टिमाइज करता है. कलेक्ट एंड प्रोड्यूस मेजरमेंट्स एंड मैट्रिक्स फॉर इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी एप्लीकेशंस है, उसका जो भी इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसके लिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें उसका मेजरमेंट्स, उसका मैट्रिक्स वगैरह इन्फॉर्मेशन हमें क्या करनी पड़ती है, इसके अंदर कलेक्ट करनी पड़ती है. इम्प्रूव एंड एनहांस नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट बिहेवियर एंड टेक्नोलॉजीज इन यूज. कि हमारे जो भी प्रोडक्ट है उसको कैसे हमें इम्प्रूव करना है, उसको हमें कैसे अच्छे से चलाना है, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके टेक्नोलॉजीज के बारे में हमें अच्छे से ख्याल होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग शुड बी मेजरेबल, सो देयर इज नो प्लेस फॉर सब्जेक्टिव कैरेक्टराइजेशन लाइक गुड, बेटर, बेस्ट एक्सेट्रा. हमारा जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है उसको हम कभी भी मेजर कर सकते हैं, उसको हम कभी भी नाप सकते हैं, तो उसका ऐसा कोई प्लेस नहीं है कि जैसे कि उसका कोई ऐसा प्लेस नहीं है कि जहाँ पे हम उसको फोकस करके हम लोग उसको टेस्टिंग कर सके. हमें वो देखना है कि हमारा जो फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है वो कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है या ज़्यादा अच्छा है, हमें वो चेक करना है. यानी कि गुड है, बेटर है और बेस्ट है, हमें ये चीज़ वहाँ पर क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है. एग्जैक्ट नंबर्स आर अनलाइकली टू बी नोन एट द स्टार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस. कि जब भी हमारे जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस होते हैं उसकी जब रिक्वायरमेंट आती है, तो रिक्वायरमेंट के अंदर हमें एक एग्जैक्टली नंबर्स नहीं दिए गए होते हैं. कि जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करें, हमने पीछे एक एग्जाम्पल लिया लॉगिन का, कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो प्रोडक्ट है, उसके अंदर कितने लोग एक साथ में लॉगिन हो सकते हैं. तो ये चीज़ हमें रिक्वायरमेंट में नहीं दी होती है कि भाई एक जब एट अ टाइम 10, 20, 25, 30 लोग एक साइड लॉगिन होने चाहिए, ऐसा नहीं है. वो हमें इस तरह से उसको डिज़ाइन करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एट अ टाइम कई सारे लोगों को लॉगिन करने के लिए अनुमति देता है. इम्पोर्टेंट टू प्रायोरिटीज दी रिक्वायरमेंट्स. कि इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट देते हैं. एनश्योर दैट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड आइडेंटिफाइड करेक्टली इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. कि हमारा जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है उसके अंदर हम जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी एप्लीकेशंस है जिसका हम टेस्टिंग करने वाले हैं, तो उसका जो भी एट्रीब्यूट्स है, उसके जो भी
आइडेंटिफाइड है उसको हमें करेक्टली आइडेंटिफाइड करना है, उसको हमें एक अच्छे से उसको हमें देखना है कि उसके अंदर हमें कोई भी गलती ना हो। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग पैरामीटर्स कि जो हमारे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है उसके कितने पैरामीटर्स है और कौन कौन से, तो कि फर्स्ट है सिक्योरिटी, अवेबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी, सर्वाइवेबिलिटी, यूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। तो ये सारी हमारे जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है उसके पैरामीटर्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के पैरामीटर्स में फर्स्ट है सिक्योरिटी। The parameters defines how a system is safeguarded against deliberate and sudden attacks from internal and external sources. This is tested via security testing. कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है, हमारे जो भी एप्लीकेशन है, उसके जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज है, उसके ऊपर एकदम से अटैक्स होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो हमें उसको सुरक्षित करना है, हमें उसको वो होने से बचाना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सिक्योरिटी टेस्टिंग करना है। रिलायबिलिटी, द एक्सटेंट टू विच एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम कंटिन्यूसली परफॉर्म्स द स्पेसिफाइड फंक्शंस विदाउट फेलियर, दिस इज टेस्टेड बाय रिलायबिलिटी टेस्टिंग। कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है उसका जो भी परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं पे फेल होता है कि नहीं होता है, वो हमें चेक करना है। हमें इस तरह से हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे सॉफ्टवेयर को परफॉर्मेंस को देना है कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो कहीं ना कहीं पे और कभी भी क्या होना नहीं चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिलायबिलिटी टेस्टिंग करना पड़ता है। सर्वाइवेबिलिटी, ये जो है द पैरामीटर्स चेक द सॉफ्टवेयर सिस्टम कंटिन्यूस टू फंक्शन एंड रिकवर्स इटसेल्फ इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर। अगर हमारा जो भी सिस्टम है, अगर वो हमारा सिस्टम फेलियर हो जाए तो उसके जो भी पैरामीटर्स है, उसके जो भी फंक्शंस है, वो फंक्शंस को इजीली रिकवर हो, वो जो फंक्शंस है वो इजीली रिकवर हो जाना चाहिए। उसी लिए हमें रिकवरी टेस्टिंग या फिर सर्वाइवेबिलिटी टेस्टिंग करना पड़ता है। अवेबिलिटी, दी पैरामीटर डिटरमाइंस द डिग्री टू विच यूजर कैन डिपेंड ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, दिस इज चेक बाय स्टेबिलिटी टेस्टिंग। कि हमारे जो सिस्टम्स है वो सिस्टम के अंदर हम जो भी ऑपरेशंस होते हैं तो वो सारे ऑपरेशंस कितने टाइम के अंदर होते हैं, कितने ड्यूरेशन के अंदर होते हैं, ये सारे चीज़ को, उसके जो भी पैरामीटर्स है उसको हमें क्या करना है, चेक करना है। तो उसके लिए हमें अवेबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी टेस्टिंग करना पड़ता है। यूजेबिलिटी, दी इजी विथ ईच विच द यूज़र कैन लर्न ऑपरेट प्रीपेड इनपुट्स एंड आउटपुट्स through interaction with a system, this is checked by usability testing। कि जब भी कोई यूज़र है वो यूज़र हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ कैसे वर्क करेगा, वो उसके साथ किस तरह से सीखेगा, वो उसको कैसे इनपुट देगा, कैसे आउटपुट देगा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो चेक करने के लिए कि हम एक यूज़र हमारे जो सिस्टम है उसके साथ वो इस तरह से इंटरेक्ट करेगा, ये टेस्ट करने के लिए हमें यूजेबिलिटी टेस्टिंग करना पड़ता है। यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से, किस तरह से अलग अलग यूज़र अलग अलग प्रकार से उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, दि टर्म रिफर्स टू द डिग्री इन विच एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन एक्सपांड इट्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी टू मीट एंड इंक्रीज इन डिमांड, दिस इज टेस्टेड बाई स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी एप्लीकेशन है, उसकी जो प्रोसेस की जो कैपेसिटी है उसको
कहीं ना कहीं से उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर की या हमारे जो सिस्टम के प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी है उसको हम जब भी इंक्रीज़ करेंगे तो उसके लिए हमें स्केलेबिलिटी टेस्टिंग करना होगा। इंटरऑपरेबिलिटी, दिस नॉन फंक्शनल पैरामीटर्स चेक अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इंटरफेसिस विथ अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम, दिस इज चेक्ड बाय इंटरऑपरेबिलिटी टेस्टिंग। यहाँ पे क्या होता है इंटरऑपरेबिलिटी में कि उसका जो नेम है वो नेम ही हमें सजेस्ट करता है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, उसके जो भी इंटरफेस है, उसका जो भी पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स को हमें किसी और सॉफ्टवेयर के सिस्टम के साथ या कोई और सिस्टम के पैरामीटर्स के साथ उसको हमें क्या चेक करना है, उसको हमें चेक करना है, उसको हम कहेंगे इंटर ऑपरेबिलिटी टेस्टिंग। इफिशियंसी, द एक्सटेंट टू विच एनी सॉफ्टवेयर कैन सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन हैंडल्स कैपेसिटी क्वांटिटी एंड रिस्पॉन्स टाइम। इफिशियंसी में क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, उसकी जो भी कैपेसिटी है, उसकी जो भी क्वांटिटी है या फिर उसका रिस्पॉन्स देने का जो टाइम है, वो टाइम कितना है और कितना नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इफिशियंसी टेस्टिंग करना पड़ता है। इफिशियंसी टेस्टिंग के थ्रू हमें इतना पता चल जाता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कोई ना कोई बग है या फिर उसका रिस्पॉन्स देने का जो टाइम है वो टाइम ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू उसको हम कम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, द टर्म रिफर्स टू द इजी विथ ईच द एप्लीकेशन कैन वर्क इन डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस लाइक मिनिमम रैम सीपीयू रिक्वायरमेंट्स। फ्लेक्सिबिलिटीज क्या है कि हमारा जो भी सिस्टम है, हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है, कई बार क्या होता है तो कि कई बार हम हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे लैपटॉप के अंदर हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, तो हमें ऐसा कहा जाता है कि आपके जो लैपटॉप है या आपका जो सिस्टम है उसका जो रैम है या उसका जो सीपीयू है उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना होना। तो फ्लेक्सिबिलिटीज क्या होती है तो कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है कि मिनिमम रैम है, जो मिनिमम सीपीयू है वो इतना होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। पोर्टेबिलिटी, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू ट्रांसफर फ्रॉम इट्स करंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, कि हमारे जो भी हमारा जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है उसको हमें हमारे नए सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उसके अंदर कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं जिसको हम कहते हैं पोर्टेबिलिटी। रीयूजेबिलिटीज का मतलब होता है कि हमारा जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस के अंदर कोई चेंजेस होता है या फिर उसके अंदर हमें कोई सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कोई पार्ट चेंज करने की रिक्वायरमेंट रहती है या फिर कोई ना कोई चेंजेस होता है, तो उसको वही चेंजेस को क्लियर करके हम उसको वापस यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि तीन तरह के टाइप्स होते हैं, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंड मेंटेनेंस। उसमें से हमने फंक्शनल स्टडी कर लिया है जिसके अंदर हम कोड वगैरह चेक करते हैं, नॉन फंक्शनल हम अभी पढ़ रहे हैं और मेंटेनेंस जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे हमें तीन टाइप्स दिए गए हैं, फंक्शनल के अंदर कौन कौन से हैं, नॉन फंक्शनल के अंदर कौन कौन से हैं और मेंटेनेंस के अंदर कौन कौन से हैं। मेंटेनेंस के अंदर हमने रिग्रेशन टेस्टिंग जो है वो स्टडी कर लिया है, सिर्फ मेंटेनेंस टेस्टिंग बाकी है जो हम अगले लेक्चर्स के अंदर करने वाले हैं। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग टाइप, तो यहाँ पे आपको कई सारे टाइप्स दिए गए हैं, ये सारे हमारे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप्स हैं। तो ये सारे जो है वो हमारे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप्स है, जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग,
फेल ओवर टेस्टिंग, कॉम्पेटेबिलिटी टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, मेंटेबिलिटी टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग, कंप्लियंस टेस्टिंग, पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग, एफिशिएंसी टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, बेसलाइन टेस्टिंग, एंड्योरेंस टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग, रिकवरी टेस्टिंग, इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग एंड लोकलाइजेशन टेस्टिंग। ये सारे जो भी है वो हमारे टेस्टिंग के टाइप्स है कि हमें इतने टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर इतने इतने टाइप्स आते हैं। आपको एक असाइनमेंट दिया गया है, आगे भी कई सारे स्टूडेंट्स ने टाइम टू टाइम ये असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, या फिर कई सारे बच्चों ने टाइम से पहले असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। मेरा लेक्चर्स का जो टाइम रहता है वो टाइम से पहले आपको वीडियो तो देखने वाला नहीं है, तो आप असाइनमेंट कैसे कर लेते हैं, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा मेरा क्वेश्चंस नहीं है लेकिन उसका आंसर मैं देना चाहूँगा कि आप जो भी जल्दी असाइनमेंट लिख के भेज देते हो वो असाइनमेंट मैं सबमिट अप्रूव नहीं करूँगा, उसको मैं रिजेक्ट कर दूँगा। तो प्लीज़ जब भी मेरा लेक्चर ख़त्म हो, मेरा वीडियो लेक्चर ख़त्म हो, उसके बाद आपको ये दो जो फंक्शनल टेस्टिंग है वो मुझे आपको लिख के भेजना है। तो मेरा जो बेसिकली पीरियड होता है, लेक्चर्स होता है, वो हमारा एक घंटे का होता है। उसके अंदर हम बेसिकली 25 to 30 मिनट्स का हम लेक्चर होता है, बाकी की जो 30 मिनट्स बचती है उसके अंदर हमें क्या करना है, क्योंकि हमें ये जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट को हमें लिख के भेजना है। तो प्लीज़ आज से यही करिएगा कि असाइनमेंट मुझे आप जब भी मेरा वीडियो लेक्चर ख़त्म हो उसके बाद ही सबमिट कराए, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।